Goodbye. मूवी की स्टार्टिंग एक कपल के ब्रेकअप से होती है जिनके नाम होते हैं स्टिलमैन एंड डेबी। इनका ब्रेकअप हो चुका होता है क्योंकि डेबी इस रिलेशनशिप से खुश नहीं होती है। गाइस ये सीन जो कि टाइम लूप जैसा लगेगा लेकिन यह मूवी टाइम ट्रेवल की थीम है ना कि टाइम लूप। तो यहाँ पर स्टिलमैन के पास एक टाइम ट्रेवल मशीन थी क्योंकि वो ब्रेकअप करना नहीं चाहता, इसीलिए उस मशीन से टाइम को पास में करके इस ब्रेकअप को रोकना चाहता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद डेबी ब्रेकअप कर वहाँ से चली जाती है। वहीं स्टिलमैन जो कि एक फिजिक्स का जीनियस स्टूडेंट था, उसकी गर्लफ्रेंड डेबी जो कि लाइफ को काफ़ी इंजॉय करती थी, वो लाइफ को हर तरह से इंजॉय करती थी, लाइक पार्टी करना, घूमना फिरना, लेकिन वही पढ़ाई में उसका खुद का इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसे बिग फार्मूलाज, मैथ्स के क्वेश्चंस एंड अदर साइंस के स्टेप्स उसे पैशनेट करते थे। वन डे स्टिलमैन डेबी से बात करने की कोशिश करता है। इस दौरान उनका पहले फ्रेंडशिप होती है जो कि रिलेशनशिप में बदल जाती है, लेकिन यह रिलेशनशिप सिर्फ एक साल चलता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से स्टिलमैन डिप्रेस्ड हो जाता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। स्टिलमैन खुद को ये पता लगाने में बिजी कर लेता है कि आखिर उसका और डेबी का ब्रेकअप क्यों हुआ, और वो इसका रीज़न पता लगाने की कोशिश करता है। तब वो एक डिवाइस बनाता है जो कि एक मेमोरी डिवाइस थी, जो कि कई दिन गुजर जाने के बाद भी स्टिलमैन इस बात का पता नहीं लगा पाता, लेकिन उसे ऐसे रीज़न ज़रूर मिलते हैं जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था। तब स्टिलमैन एक कलेक्शन तैयार करता है जिसमें वो डेबी के साथ में स्पेंड किए हुए बैड और गुड मेमोरीज को निकालता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था। स्टिलमैन जो कि कई हफ्ते घर से बाहर नहीं निकला था, इस दौरान उसका दोस्त इवान उससे मिलने उसके घर आता है, जो कि उसकी उस डिवाइस और टाइम मशीन को देखने लगता है। तब स्टिलमैन उसे बताता है कि वो पास्ट में जाकर अपनी बैड मेमोरीज को हैप्पी मेमोरीज में कन्वर्ट कर देगा। यह सब देख इवान भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, वो भी पास्ट में जाने का बोलता है। तब स्टिलमैन इवान के साथ टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में जाते हैं। दोनों वन बाय वन बैड मेमोरीज में जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो अटैम्प्ट था मूवी डेट नाइट का था, जहाँ पर वो साइंस फिक्शन मूवी देख रहा होता है, जहाँ पर डेबी अपने दोस्तों के साथ उस मूवी का मजाक उड़ा रही थी। यह सब देख स्टिलमैन को गुस्सा आता है और वो सबकी इंसल्ट करता है। यह सब देख डेबी को बुरा लगता है। अब यहाँ पर उसे ये गलती नहीं करनी थी, लेकिन सब कुछ जानने के बाद वो ये बार बार गलती करता रहता है। एटलीस्ट वो फिक्स नहीं कर पाता, लेकिन वो सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में खुद भी मूवी का मजाक उड़ाता है, जिसमें वो वहाँ सभी के साथ खुल मिल जाता है, जिसमें डेबी भी होती है अब, जो कि वो बैड मेमोरीज थी जो कि हैप्पी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट मेमोरी, जहाँ पर डेबी को रेस्टोरेंट में सिंगिंग का जॉब ऑफर होता है, जिसे वो डिनाइड कर देती है, जिसके लिए उसे बहुत पछतावा भी होता है। तो स्टिलमैन उस पास्ट में जाकर डेबी को उस जॉब के लिए मना लेता है और डेबी जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरह से हम देखते हैं कि स्टिलमैन और भी इवन स्पीक्स करता है डेबी या फिर इवान को लेकर। तब हम एक पास्ट में देखते हैं कि इवान एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ सिचुएशन बिगड़ जाती है। तब इवान स्टिलमैन को टाइम रीसेट करने का बोलता है, लेकिन स्टिलमैन की वो डिवाइस हैंग हो जाती है और दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। कुछ टाइम के बाद में स्टिलमैन उस डिवाइस को वापस एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन कुछ खराबी की वजह से अब वो पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि डिवाइस का रिवर्स ट्रैवल डिसेबल हुआ था। इसके बाद स्टिलमैन का एक मेजर इवेंट आता है, जिसके बाद डेबी और स्टिलमैन का रिलेशन बिगड़ने लगता है। डेबी जो कि किसी कल्ट की मेंबर थी, जहाँ पर ये लोग वीकेंड पर पार्टी करते थे फुल नाइट, जिसमें सभी हाफ न्यूड होते थे, मींस हाफ नेक्ड होते थे और पूरी रात पार्टी करते थे। तब डेबी जो कि उसी मेंबर की थी, वो भी एक रात उस पार्टी में डांस करने लगती है। यह सब देख स्टिलमैन को पसंद नहीं आता, अब वो डेबी पर गुस्सा करने लगता है। अब स्टिलमैन इस मेमोरी को भी हैप्पी मेमोरी में कन्वर्ट करना चाहता है, तब वो ना चाहते हुए भी अपने कपड़े निकाल कर उनके साथ डांस करने लगता है और एक और बैड मेमोरी हैप्पी मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर उनका झगड़ा नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि इवान जो कि स्टिलमैन का दोस्त था, वो खुद भी उसी लड़की के घर पर था जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा था, जो कि अब टाइमलाइन टोटली चेंज हो चुकी थी, जो कि उनके साथ एक गुड एंड रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है, जो कि स्टिलमैन और डेबी के ब्रेकअप का एक प्रूफ था टेक्स्ट मैसेज। जब नेक्स्ट डे स्टिलमैन सोकर उठता है तो उसे कोई भी टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलता, मीन्स स्टिलमैन का प्लान सक्सेस हो चुका था, जो कि सारी बैड मेमोरी को हैप्पी मेमोरी में बदल चुका था।
तब इवान और स्टिलमैन वापस फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं। अब चूँकि सब कुछ ठीक हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अब जब उनका ब्रेकअप ही नहीं हुआ तो टाइम मशीन भी नहीं होगी, लेकिन उनके पास उसके सारे फार्मूला भी अभी भी सेव थे। कुछ दिनों के बाद में स्टिलमैन को दिखाया जाता है जो कि अब सब कुछ ठीक चल रहा था। तब स्टिलमैन सोचता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कैसे ठीक किया जाएगा, इसीलिए वो फिर से टाइम मशीन बनाना स्टार्ट करता है। तब हम देखते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स दिखाया जाता है दोस्तों मूवी में स्टिलमैन और डेबी, जो कि अब मैरिड थे, जो कि अब एक परफेक्ट कपल थे। लेकिन डेबी अब काफ़ी चेंज हो चुकी थी, वो पहले जैसी इंजॉय नहीं करती थी, जैसे हैप्पी नहीं रहती थी, अब वो काफ़ी नीरस रहती थी। और यह सब स्टिलमैन की टाइम ट्रेवल मशीन की वजह से हुआ था। मतलब अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो स्टिलमैन डिवाइस के थ्रू सब कुछ फिक्स कर देता था, यहाँ तक कि डेबी के डिसीजन भी, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास रहती थी। तब स्टिलमैन को समझ आता है कि चाहे कितनी भी कोशिश करें, ब्रेकअप होना है तो होकर ही रहेगा। बार बार प्रॉब्लम्स को फिक्स के चक्कर में वो उस बेचारी डेबी की खुशियों को छीन रहा है, डेबी को वो उदास कर देता है। तब स्टिलमैन डिसाइड करता है कि वो डेबी को वापस पहले जैसी लड़की बनाकर रहेगा, चाहे फिर वो उसे छोड़ ही क्यों ना दे, या फिर वो अपनी फर्स्ट मीटिंग को ही बदल देगा, जिससे कि उनकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, ना ही उनका कोई रिलेशनशिप होगा। तब इस टॉपिक पर इवान और स्टिलमैन में बहस होने लगती है, क्योंकि इवान काफ़ी खुश था अपनी प्रेजेंट लाइफ से। तभी वहाँ डेबी आ जाती है, जो कि वो सब यह होता हुआ देख लेती है। तब स्टिलमैन उससे अब तक जो भी किया था वो सब कुछ शेयर करता है, मीन्स डेबी को बता देता है, जिससे डेबी काफ़ी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तब स्टिल समझता है कि वो वापस जैसी है, मैं उसे वापस वैसा ही कर दूंगा, मीन्स मैं वापस सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारी पहले जैसी लाइफ थी तुम वैसे ही रहोगे। और टाइम मशीन को एक्टिवेट कर उसमें इवान के साथ चला जाता है। इवान स्टिलमैन को पहले रोकता है पर वो नहीं सुनता, तब दोनों पास्ट में जा चुके होते हैं। तब स्टिलमैन इवान को बताता है कि उसने डिवाइस का मोबाइल कंट्रोल एक्टिवेट नहीं किया है, क्योंकि अब वो वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वापस फ्यूचर में जाना नहीं चाहता है। अब ना तो वो रीसेट कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर में वापस जा सकते हैं। अब वो 3 साल पास्ट में पहुँच चुके थे, अब उनको आगे जो भी होगा सब कुछ पता होगा। अब इवान जो कि काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे अब लाइफ पहले से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इमेज अच्छी लगने लगी थी, तब वो स्टिलमैन को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ डेबी आती है स्टिलमैन के पास और उसे उसके बुक रिटर्न करती है, पर स्टिलमैन ज़्यादा बात नहीं करता, वहाँ से चल देता है। तभी फ्यूचर वाली डेबी टाइम मशीन के थ्रू 3 साल पहले वाली डेबी के माइंड में चली जाती है। तब वो उसे रोकती है और तब दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। एटलीस्ट डेबी और स्टिल की फ्रेंडशिप हो जाती है और तब स्टिलमैन प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी टाइम मशीन का यूज़ नहीं करेगा, चाहे कितना ही बड़ा झगड़ा क्यों ना हो। अब डेबी भी पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी और वो भी प्रॉमिस करती है कि वो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करेगी, ना ही ब्रेकअप करेगी। डेबी भी स्टिलमैन को अब प्यार करने लगती है। यहाँ उन दोनों को यह बात समझ आ जाती है कि लाइफ जीने का मजा तभी है जब लाइफ अनसर्टेन हो। तब इन तीनों को वापस 3 साल पीछे जाकर जीने का मौका मिलता है और अब जो कि लाइफ उनकी काफ़ी हैप्पी होती है और एक्साइटमेंट होती है, तो वे तीनों काफ़ी खुश होते हैं। और दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर दोस्तों अगर आपको भी एक पल भी आपकी पास्ट लाइफ जीने का मौका मिलेगा तो आप कौन सा लाइफ जीना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।